अलग एक्सपीरियंस में हैं। तो आज हम थोड़ी अलग बातें करेंगे। वी ऑल आर नेटवर्कर्स, हमने नेटवर्किंग सालों से किया हुआ है और हमारे पास नेटवर्किंग के अनुभव, नेटवर्किंग के रिजल्ट्स कई सारे हैं। बट फ्रेंड्स, आज जो हम बात करने वाले हैं वो एक डिफरेंट परिस्थिति में वापस से खुद को कैसे ढालना है उसकी आज हम बात करेंगे। फ्रेंड्स, ये परिस्थिति हमने कभी जीवन में पहले देखी नहीं थी, हमने कभी सोचा भी नहीं था। शायद अभी जो हो रहा है वो एक इतिहास है, तो शायद ये पढ़ा जाएगा आगे चल के, शायद बच्चे इसको स्कूल में पढ़ेंगे कि एक जमाना था, वायरस आया था, दुनिया लॉकडाउन में थी, बड़े बड़े शहर बंद हो गए थे, मुंबई जैसे मेट्रो बंद हो गए थे। मुंबई की मेट्रो या मुंबई की ट्रेनें तो कभी बंद नहीं हुई थी, इवन बम ब्लास्ट के बाद नहीं बंद हुई थी, बट ऐसी लोकल्स बंद हो गई थी कोरोना के दिनों में। तो एक नया दौर है, अलग दौर है, बहुत प्लेजेंट तो नहीं है, बट जो भी है उसमें हमें जीना बहुत जरूरी है और खुद को ग्रो करना बहुत जरूरी है। तो आज मैं आपके सामने एक बहुत सिंपल चीजें जो मैंने सोची कि इस लॉकडाउन में हमें क्या करना चाहिए वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मैं सबसे पहले MWW फाउंडर्स दीपल मैम और नीलेश सर का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी टू गिव मी दिस अपॉर्चुनिटी। फ्रेंड्स, आज हम कोई मोटिवेशन या ऐसी बातें नहीं करेंगे, आज हम थोड़ी फैक्चुअल बातें करने वाले हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि प्लीज अपनी नोटबुक्स और पेन्स हाथ में रखिएगा, और नोटबुक पेन्स के साथ ही मैं अभी आपके साथ जो शेयर करते जाऊं आप पॉइंट्स बना लीजिएगा, स्नैपशॉट्स ले लीजिएगा, ताकि आप इस ट्रेनिंग को इम्प्लीमेंटेशन में डाल सके। सो आई होप आप सब रेडी हैं और वी स्टार्ट विथ आवर ट्रेनिंग प्रोग्राम। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, आई विल प्ले यू द ट्रेनिंग। फ्रेंड्स, आज की जो हम ट्रेनिंग कर रहे हैं उसका हमने टाइटल रखा हुआ है हाउ टू वर्क इन लॉकडाउन। देखिए, काम तो हम सबने किया है बट लॉकडाउन पहले कभी ना देखा था ना सुना था, तो लॉकडाउन में कैसे काम करें। फ्रेंड्स, लॉकडाउन कहीं कहीं जगहों पे हट चुका है, कहीं पे जगहों पे रिलैक्स हो चुका है, बट चीजें आज भी हैं थोड़ी सी गंभीर, कहीं ना कहीं पे हैं। तो इन परिस्थितियों में, इन हालातों में कैसे काम किया जाए, क्योंकि आपकी और आपके टीम की और प्रोस्पेक्ट की, ये सबकी मानसिकता जो है इसको ध्यान में रखते हुए हमें काम करना होगा। तो कैसे काम करें, कैसे काम करें, उसमें जाने से पहले हम खाली समझने की कोशिश करेंगे कि बदलाव क्या आया है, क्या चेंजेस आए हैं आज दुनिया में, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एक चीज, वर्ल्ड हैज चेंज्ड फॉरएवर। हमारी जो दुनिया है पहले बहुत अलग थी, हम लोगों को मिलते थे, जुलते थे, बातें करते थे, होटल्स, कैफे, रेस्टोरेंट्स, रोड साइड फूड, स्ट्रीट फूड, ये सब बहुत आम चीजें थी। बट आज दुनिया बदल गई है और ये शायद फॉरएवर के लिए बदल गई है। फ्रेंड्स, मैं आपको कहना चाहूंगी कि जब ये माहौल बदल जाएगा, जब ये हालात बदल जाएंगे, तब भी बिल्कुल बोलते ना, रातों रात हम बिंदास नहीं हो जाएंगे, हम डेफिनेटली कुछ प्रिकॉशंस रख के ही बाहर निकलेंगे। तो अगर अभी जो माहौल है, जब खुलेगा तो माहौल थोड़ा बेटर होगा, बट बिल्कुल पहले की तरह नहीं हो जाएगा। जो बदलाव आया है उसमें हमने बहुत सारी चीजों को अडॉप्ट किया है। हम शायद घर में इतने दिनों तक कभी नहीं बैठते थे, और नेटवर्कर तो मुझे लगता है उसका एक पाँव घर में और एक पाँव एयरपोर्ट या स्टेशन पे होता था। बट आज हम घर में हैं, नो डाउट हम घर में से एक्टिविटीज कर रहे हैं, हमने अडॉप्ट किया हुआ है, कोई नई चीज को हमने अडॉप्ट किया हुआ है। तो अडॉप्टेशन के मामले में चीजें बहुत बदली हैं। यही ऐप अगर हमें पहले डाउनलोड करने कोई कहता, वीडियो कॉल्स पे या वीडियो मीटिंग्स करने बोलता तो हम नहीं करते शायद, बट अभी क्विकली हमने अडॉप्ट किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, एक चीज और हमें समझनी होगी कि इट इज सर्वाइवल ऑफ द क्विकेस्ट। जो इंसान बहुत फास्ट है,
जो इन चीजों को अडॉप्ट करेगा वो इसमें टिक जाएगा। और ये भी परिस्थिति ने हमें सिखा दिया है कि हमें जल्दी जल्दी नई चीजों को अडॉप्ट करना होगा। पहले हम ऑनलाइन ऑर्डरिंग इतना नहीं जानते थे, अब हम जानने लगे हैं। पहले हम सब्जियां जा जाकर चुन चुन कर लाया करते थे, अब वो भी हम साइट्स के माध्यम से या एप्स के माध्यम से ऑर्डर करने लगे हैं। तो ये चीजें बदली है हमारे माहौल में। और एक चीज, देर इज समथिंग कॉल्ड एज फोर्स्ड एंटरप्रेन्योरशिप नाउ। फोर्स्ड एंटरप्रेन्योरशिप क्यों आई है? एक जमाना था जब हम सोचते थे कि हमारे पास बहुत सारी पढ़ाई हो, बहुत सारी डबल डिग्रीज हो, और हम कोई बड़े कॉर्पोरेट में जॉब अगर हो तो वो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आज की तारीख में जैसे माहौल बदलने लगा है, चीजें बदल गई हैं और लोग समझने लग गए हैं कि आज के तारीख में बड़ी डिग्रियां और बड़ी नौकरियां शायद आपके घर के रेंट और ईएमआई और एक्सपेंसेस को नहीं निभा पा रही हैं। जो ये दौर चल रहा है ना फ्रेंड्स, इसमें दिक्कत ये है कि इंसान भी नहीं समझ पा रहा है कि वो अपने रूटीन को कैसे चलाए, और कंपनियां भी नहीं समझ पा रही हैं कि बदलाव या परिवर्तन क्या करें जिससे वो खुद भी सरवाइव कर सके और अपने एम्प्लॉयज को भी सरवाइव कर सके। तो अब जो दौर आएगा वो आएगा फोर्स्ड एंटरप्रेन्योरशिप। आप कंफर्टेबल हैं या नहीं है, बट आपको उस दौर में जाना तो पड़ेगा। तो बदलाव ये आया है कि जो पहले हम नौकरी या इस शब्द को लोग बहुत अहमियत देते थे, या जो माइंडसेट या कंडीशनिंग बनी हुई थी कि नौकरी करनी है, वो नौकरी से आगे का माइंडसेट अब आएगा और वो बहुत ज्यादा लोगों में आएगा पहले की मात्रा से कि लेट्स बी अ एंटरप्रेन्योर, लेट्स डू समथिंग ऑफ माय ओन। और आज जो भी परिवर्तन हम सब अपने जीवन में लाएंगे, वहां हम नेचर इस शब्द को बहुत बड़ा बोलते ना कंसिडर करेंगे। नेचर को बहुत ग्रांटेड लिया गया, लाइफ को बहुत भाग दौड़ में जिया गया और नेचर को बहुत पीछे रखा गया। बट अब जो भी हम करेंगे परिवर्तन में, शायद वहां नेचर आपकी पहली प्राथमिकता होगी, पहली प्रायोरिटी होगी, क्योंकि नेचर ने आपको बहुत सारे लेसन्स सिखा दिए हैं। अब जो भी लोग करेंगे वो जरूर से ये सोचेंगे कि जो भी बिजनेस में कर रहा हूँ, जो भी अपॉर्चुनिटी में मैं एंटर कर रहा हूँ, जो भी फील्ड को मैं चूज कर रहा हूँ, क्या मैं अपने नेचर को कंसिडर कर रहा हूँ? फ्रेंड्स, जैसे बोलते ना प्लास्टिक का यूजेज, या बोलते ना एनिमल स्लॉटर, या बहुत सारी चीजें, द वे वी वेर डंपिंग आर रिवर्स विद पोल्यूटेंट्स, ये सब बदलेगा। अच्छा, इसके पहले भी बहुत कोशिशें की गई थी, बहुत सारे एक्टिविस्ट, बहुत सारे इको समझने वाले लोगों ने बहुत सारी कोशिशें करी थी, बट उसका रिजल्ट बहुत स्लो था। अब बोलते ना 30 40 50 दिनों में चीजें बहुत रैपिडली चेंज हो गई हैं। तो आप ये ध्यान में रखिए कि क्या परिवर्तन हुआ है और इसका इम्पैक्ट अब अपने बिजनेस पे कैसे आने वाला है, और क्या बदलेगा। ये तो परिवर्तन हुआ है, बट इसके अलावा अब क्या बदलेगा, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। सोशल इंटरैक्शन बदलेगा। जो पहले हम इंटरैक्शन करते थे और जो अब होगा, इसमें परिवर्तन होगा। जैसे हमारे बिजनेस की अगर हम बात करें तो होम मीटिंग्स पहले बहुत फास्ट हो जाती थी, किसी के घर पे भी हम चले जाते थे, 10-12 लोगों को इकट्ठा कर लेते थे, बहुत इजी था वो, बहुत डुप्लीकेबल था। बट अब वो चेंज होगा, होगा जरूर बट चेंज होगा बहुत क्विकली। अब हम लोगों के घर नहीं जा पाएंगे, एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, बिकॉज द फियर इज प्लेइंग अ वेरी वेरी बिग रोल। तो वो चीजें, बट कैसे होगा वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। बट दैट इंटरेक्शन इज गोइंग टू चेंज। वर्क फ्रॉम होम, ये कल्चर तो पहले भारत में बहुत कम था, बहुत कम मीन्स बहुत ही कम था, हार्डली कुछ लोग इसको समझते थे, बट अब बहुत सारे लोग समझने लग गए। मुझे ध्यान है कि पहले एक मीटिंग करने के लिए मैं यहाँ से राजकोट ट्रैवल कर लेती थी, मैं यहाँ से बोलते ना दिल्ली तक ट्रैवल कर लेती थी, फ्लाइट में जाओ, फ्लाइट में आओ, होटल बुक करो, वहां 2-3 मीटिंगें करो और लौट के आ जाओ शाम में। तो एक दिन में फ्रेंड्स हम 20-30-40 हजार का खर्चा कर देते थे और काम करके लौट आते थे।
अब देखिए चीजें कितनी आसान हो गई, वर्क फ्रॉम होम के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से। आज वर्क फ्रॉम होम, स्टडी फ्रॉम होम, ये सब बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट हो गया है और लोग इसको अडॉप्ट करने लगे हैं। ऑनलाइन, आज दुनिया ऑनलाइन हो गई है। जब घर बंद है, जब बिल्डिंग्स बंद है, जब कॉलोनीज पे ताले लगे हुए हैं, सील्स लगी हुई है, क्वारंटाइन में लोग हैं, तो वो ऑनलाइन चीज से ऑर्डर कर रहे हैं। एसएससीडीज तो ऑनलाइन मिल रही हैं और ऑनलाइन सारे लोग सीख गए। अब बिलीव नहीं करेंगे, जो लेडीज पहले कहती थी हमें मोबाइल में ये सब चलाना नहीं आता था, आज वो बहुत आसानी से ऑनलाइन ऑर्डरिंग करने लग गई हैं और चीजें बदलने लग गई हैं। ऑनलाइन की अगर मैं बात करूं तो इस पूरे लॉकडाउन में ऑनलाइन सबसे हिट चीज है। इंटरनेट का यूजेज, फेसबुक का यूजेज, इंस्टाग्राम का यूजेज, ये बहुत ट्रेमेंडस वे में बढ़ा हुआ है। जूम ऐप का यूजेज, ये सब बहुत सुपर वे में बढ़ा हुआ है और ये हमें बहुत तरीके से हेल्प कर रहा है। चेंजेस में हेल्थ एक प्रायोरिटी बन गई है। पहले लोग हेल्थ को बहुत ग्रांटेड लिया करते थे, इसके बारे में बात करने को भी लोगों को टाइम नहीं था। और फूड की अगर हम बात करें तो बोलते ना, जंक फूड, स्ट्रीट फूड, होटल फूड, स्विगी, जोमैटो, ये बहुत कॉमन चीजें थी आम आदमी की लाइफ में। बट आज घर का खाना ये प्रायोरिटी हो गया है। आज ऑनलाइन ऑर्डर करने का भी ऑप्शन अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप इसको डर के मारे नहीं कर रहे हैं और आप अपना घर का सादा खाना खाना प्रेफर कर रहे हैं, या तो ऑप्शंस या वैरायटीज बना के खा रहे हैं। तो हेल्थ और फूड आज लोगों की प्रायोरिटी हो गया है। जो लोग पहले हेल्थ के बारे में सोचते नहीं थे वो भी आज आपके साथ डिस्कशन करने लगे हैं कि कौन सी चीजें खानी चाहिए, कौन सा काढ़ा बना के पीना चाहिए, गर्म पानी लींबू डाल के पीना चाहिए। पता नहीं कितनी चीजें लोग डिस्कवर कर चुके हैं और वो बातें करने लगे हैं। फ्रेंड्स, एक और चेंज जो बहुत बड़ा आया है और जो हम सबके लिए बहुत बेहतर और पॉजिटिव है कि हमारी धरती माँ सांस लेने लगी है, जो बहुत इम्पोर्टेंट था ह्यूमन हेल्थ के लिए। जब धरती ठीक रहेगी तो धरती पे रहने वाले लोग ठीक रहेंगे, तो बहुत सारे हेल्थ इश्यूज सॉर्ट आउट हो गए ऑटोमेटिक, बिकॉज देर इज नो पोल्यूशन, बिकॉज देर इज नो ट्रैवल, बिकॉज देर आर नो व्हीकल्स ऑन द रोड, पीपल आर बेटर। और प्लस हैबिट्स जो इंसान में बदली हुई, बार बार हाथ धोते रहना, नो डाउट इंडियंस की तो ये हैबिट हम सबकी थी थी, बट और इम्पोर्टेंटली हमने इस पे फोकस किया तो बोलते ना, हैबिट्स चेंज होने के कारण बीमारियां भी कम हुई, बच्चे भी बार बार हाथ धो रहे हैं तो बीमार नहीं पड़ रहे हैं, स्टमक इन्फेक्शन नहीं हो रहे हैं। तो हेल्थ फूड हमारी प्रायोरिटी हुई है और हमारी धरती माँ ब्रीथ कर रही है। प्रायोरिटीज बदल गई फ्रेंड्स। बेसिक जो आज बोलते ना रोजमर्रा की चीजें हैं, बेसिक चीजों पे हम सबका ध्यान आ गया है कि खाने में क्या बनाना है, क्या बाहर से 8 दिन में एक ही बार चक्कर लगा के हमें लेकर आना है, और जो बेसिक जरूरत थी उस पर हम आ गए हैं। हम अपने एक्सपेंसेस को या हमारी लाइफस्टाइल्स को थोड़ा भूल चुके हैं। एक्सपेंसेस पहले बहुत होते थे, हम क्रेडिट कार्ड्स तो कैसे स्वाइप कर दिया करते थे, शॉपिंग कैसे कर लिया करते थे, हमारे घर में 10 जोड़ी मेट्रो मोची या वुडलैंड के शूज होते थे, फिर भी हम एक आधा घर पे ले आते थे। अब वो एक्सपेंसेस तो हमारे बिल्कुल हॉल्ट पे है और वो हमारी प्रायोरिटी भी नहीं है एट द मोमेंट। तो एक्सपेंसेस हैव चेंज्ड एंड आवर बेसिक प्रायोरिटीज हैव चेंज्ड। एंटरटेनमेंट हैज चेंज्ड। पहले एंटरटेनमेंट बाहर जाना होता था, कैफेज में बैठना होता था, कोई लाइव मैचेस हो रही है वो देखना होता था, कोई लाइव इवेंट्स हो रहे हैं 20,000 लोगों के, 30,000 लोगों के, वो हमारी प्रायोरिटीज या वो हमारा तरीका होता था एंटरटेनमेंट का। अब वो भी बदल चुका है। अब ऑनलाइन रमी चलती है, ऑनलाइन लूडो चलता है, अंताक्षरियां चलती हैं। तो ये तरीके हमने ढूंढ लिए, बदलाव आ गया, या तो इंडोर गेम्स हमारी चलने लगी हैं, हमारे कैरम बोर्ड्स बाहर निकलने लग गए हैं, मैं भी अपने बच्चों के साथ उनो खेलती हूँ रात में, तो ऐसे चीजें चेंज हुई हैं। फ्रेंड्स, चेंजेस को समझिए तो ही आप लोगों को सिस्टम में ला पाएंगे। विच इंडस्ट्रीज और बिजनेस विल इम्पैक्ट द मोस्ट? पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी पे इसका असर हो रहा है लॉकडाउन का या वायरस का, तो कौन सी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिसपे इम्पैक्ट होगा? ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट।
सबसे पहले जॉब इंडस्ट्री, जो हमारी जॉब इंडस्ट्री है, आप न्यूज में फिगर्स देखते होंगे कि यूएस में इतने लोगों की जॉब जा चुकी है, चाइना में इतने लोगों की जॉब जा चुकी है, इंडिया का ये फिगर है, तो जॉब्स तो जा रही है फ्रेंड्स, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन 25 लोगों के साथ चल रही थी, अब शायद वो 5 लोगों के साथ चलेगी, तो चीजें बदलेंगी, जॉब्स बहुत सारी जाएंगी फ्रेंड्स, जॉब बहुत सारी जाएंगी, ये सेलिब्रेट करने वाली बात नहीं है, तो प्लीज इसको सेलिब्रेशन की तरह ना लेके लोगों की जॉब जाएगी तो हमारा नहीं, लोगों की जॉब जाएगी तो हमें उन्हें सपोर्ट करना होगा। जॉब्स जो बोलते हैं ना, एक टाइम पे बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशनिंग थी कि ग्रेजुएट हो जाएंगे या इंजीनियर बन जाएंगे जॉब मिल जाएगी, MBA करेंगे तो ये वाली मिल, अब वो थोड़ा अलग हो, रिप्लेसमेंट आएगी एंटरप्रेन्योरशिप को, तो वो एक इंडस्ट्री सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होगी। सेकेंड जो होगा वो होगा रिटेल, रिटेल इंडस्ट्री आप देखेंगे तो फिजिकल रिटेल, मॉल्स बंद है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस बंद है, इवन Amazon, Flipkart ये सब बंद है, हम शॉपिंग नहीं कर पा रहे हैं और शायद वो हमारी प्रायोरिटी भी नहीं है एट द मोमेंट, तो रिटेल भी बहुत अलग तरीके से इम्पैक्ट हो रहा है। नो डाउट ये ओपन होगा बट इसको थोड़ा समय लग जाएगा और तब तक हमें वो संभालने का काम करना होगा। ट्रैवल एंड टूरिज्म, ट्रैवल एंड टूरिज्म भी इम्पैक्ट हो रहा है, सबसे पहले ट्रैवल इम्पैक्ट हुआ था, टूरिज्म इम्पैक्ट हुआ और था, सबसे लास्ट ये ओपन होगा। फ्रेंड्स जब मैं ये इंडस्ट्रीज कह रही हूँ तो प्लीज आप सोचना शुरू करिए कि आपके पास ऐसे लोग हैं जिनको अब आप आपकी मेमोरी जॉगर में ला सकते हैं। शायद आप किसी शॉपकीपर को प्लान बताए थे बट वो कहता था नहीं यार दुकान पे बहुत काम है, अब शायद वो आपके बिजनेस को देखे। शायद आपने किसी टूर मैनेजर को प्लान दिखाया हो और अब वो कहते हैं ना फ्री है, तो अब आप उनको रिवाइव कर सके उस कॉन्टैक्ट को। कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने जॉब में 12-13 घंटे काम करते थे, अब वो शायद आपको देख सके, अब वो शायद आपके बिजनेस को सुन सके। हॉस्पिटैलिटी एंड रेस्टोरेंट्स, ये भी बहुत डीपली इम्पैक्टेड सेक्टर है, जैसे 5-star होटल्स, 3-star होटल्स ये खाली पड़ी हुई, इनको मेंटेन करने के लिए तो पैसा लग रहा है बट रेवेन्यू इनकमिंग में कुछ भी नहीं है। तो अब आप सोचना शुरू करिए कि जिस व्यक्ति के पास उनकी अपनी होटल्स हैं, या ऐसे कोई व्यक्ति जो कोई 5-star प्रॉपर्टी के होटल के मैनेजर थे, स्टाफ थे, हाउसकीपिंग हैंडल कर रहे थे, HR हैंडल कर रहे थे, जो टोटल वहां की हैंडलिंग देख रहे थे, ऐसे लोगों के बारे में सोचिए, इनके पास भी काम नहीं है और इन्हें वो इनसिक्योरिटी है कि इनकी नौकरियां रहेंगी या नहीं रहेगी। मैं आपको एक ऑलमोस्ट 7-8 महीने पहले की टीम के एक उदाहरण बताना चाहूंगी। एक व्यक्ति हमारी टीम में, संदीप जी नाम है उनका, हॉस्पिटल करते थे, 1.5 लाख के ऊपर उनकी सैलरी थी, उन्होंने वेस्टीज सीरियसली समझा, ज्वाइन करा और कुछ दिनों में उन्होंने अपनी जॉब रिजाइन कर दी। उनकी पूरी इंडस्ट्री उनको कह रही थी कि क्या पागलपना छाया है तेरे ऊपर, और किसी ने उनके साथ आईडीज नहीं लगाई, ज्वाइनिंग नहीं लगाई और प्लान्स देखने तक बहुत सारे लोग नहीं आए। बट अभी ऐसा हुआ कि पिछले 15 दिनों में हमने ये ट्रेनिंग करी और संदीप जी ने वापस पूरी इंडस्ट्री के लोगों के साथ प्लान शेयर करा एंड 1 वीक के अंदर टॉप 20 पीपल फ्रॉम दैट हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री जॉइंड हिम, जिनके अपने पैकेजेस 1-1.5 लाख के ऊपर के हैं, ऐसे लोगों ने अब विलिंगली ज्वाइनिंग लगा दी। फ्रेंड्स लोग वही है बट समय बदला है। तो हॉस्पिटैलिटी एंड रेस्टोरेंट्स, कई सारे होटल में आपने बैठ के प्लान दिखाया होगा, उनके स्टाफ को, उनके ओनर्स को, उनके मैनेजर्स को आपने प्लान दिखाया होगा, अब वो रिवाइव करने का समय आया है। फ्रेंड्स ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ये तो पहले से ही बहुत बुरी तरह से हिट हुई थी, कई सारे सेक्शंस क्लोज हो रहे थे, कई सारे शोरूम्स शट हो रहे थे, डीलरशिप बंद हो रही थी। फ्रेंड्स ये इंडस्ट्री भी बहुत इम्पैक्ट हुई है क्योंकि ये वन ऑफ द लग्जरी वाली इंडस्ट्री है। फ्रेंड्स इकोनॉमी इतनी हिट हो रही है, जहाँ लोग अपनी सैलरीज आएंगी या नहीं आएंगी इस चीज की चिंता में जी रहे हैं।
तो गाड़ी खरीदने का काम या क्रेज तो बहुत डिफरेंट ही हो जाएगा। शायद अब नेटवर्कर्स में रहेगा बट बाहर की दुनिया में क्रेज खत्म हो जाएगा पल भर, मीन्स एटलीस्ट कुछ महीनों के लिए। और फ्रेंड्स, दूसरा, लोन्स मिलना टफ होगा अब लोगों को ऑटोमोबाइल्स खरीदने के लिए, क्योंकि बैंकिंग इंडस्ट्री भी अपने आप में एक टर्मोइल से गुजर रही है। तो ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एक डीलरशिप जहां से हम गाड़ियां लेते हैं, वेजिटेरियंस तो ऑफ कोर्स गाड़ियों के बड़े क्रेजी हैं, तो जहां से हम एक गाड़ी लेते हैं उस डीलरशिप को देने की कीमत 30 से 40 लाख रुपए प्रति महीने है, रेंट, सैलरीज और ये सब इंक्लूड करके। तो आप सोच के देखिए, जो डीलरशिप्स दो दो तीन तीन महीने बंद है, ये डीलरशिप्स खुल पाएंगे भी या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। दूसरा फ्रेंड्स, अब जब लॉकडाउन ओपन हो रहा है, कोई जो ग्रीन हो चुका है, कोई जो ऑरेंज हो चुका है, फ्रेंड्स इतने रेस्ट्रिक्शंस है ना इन इंडस्ट्रीज में कि एक व्यक्ति दो ही लोगों के साथ गाड़ी देखने आ पाएगा, ग्लव्स पहन के आएगा, मास्क लगा के आएगा, फैमिली कैन कम विद ओनली 3 पीपल, ऐसे इंटरनली बहुत रेस्ट्रिक्शन है ताकि स्प्रेड ना हो। तो ऐसे रेस्ट्रिक्शन में लोग कहेंगे क्या करना है, गाड़ी देखने जाना नहीं जाना है, तो ये सारे लोग भी बहुत परेशानी में हैं। तो आपके मेमोरी जॉगर में इन लोगों के नाम भी आप ऐड कर सकते हैं जिनको आपने प्लान दिखाया हो और शायद अभी ओपन माइंड से आपके साथ बैठना पसंद करें। एंड एंटरटेनमेंट एज आई अर्लियर ऑल्सो है, तो ये भी लोग फिलहाल फ्री हैं। फ्रेंड्स अब मत सोचिएगा कि है या ये बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है, ये बिजनेस में नहीं आएंगे। फ्रेंड्स एवरी पर्सन नीड सम एक्टिव इनकम, तो ये सारी कैटेगरी को आप ध्यान में रखिए। लॉजिस्टिक्स विल बी हैम्पर्ड वेरी वेरी बैडली। लॉजिस्टिक्स वो ऑन रहेगा जो नेसेसिटीज और फार्मा और मेडिसिन और नेसेसिटी और हॉस्पिटल इक्विपमेंट को सप्लाई कर रहा है। बाकी आप देखेंगे तो इंडस्ट्रीज बहुत हॉल्ट पे आएंगी, तो उसके हिसाब से लॉजिस्टिक्स जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी हॉल्ट पे आएगा। कई सारी इंडस्ट्रीज जो लग्जरी प्रोडक्ट्स में डील कर रही थी और लग्जरी को ट्रांसपोर्ट कर रही थी वन पॉइंट अनदर टू, तो वो भी हॉल्ट पे आएंगे कुछ महीनों के लिए। तो ऐसे लोगों के बारे में सोचिए जो इस इंडस्ट्री में थे, जो कुरियर इंडस्ट्री में थे, जो बड़े बड़े कंपनियों के कुरियर हेड्स थे, जो बड़ी बड़ी कंपनियों के लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट को संभाल रहे थे, ऐसे लोगों को आप चेक करिए। मे बी दे नीड यू राइट नाउ। लोकल ट्रांसपोर्ट, ओला उबेर का भी जमाना बदलेगा, वो भी थोड़ा कम यूज हो पाएगा। अभी आप देखना 55-60 के ऊपर के लोग बहुत जल्दी बाहर निकलना नहीं प्रेफर करेंगे, जो पहले पार्क चले जाया करते थे, जो पहले किसी रिश्तेदार के घर बैठने जाया करते थे, वो अपनी ओला बुक करके जाते थे, तो वो सारे शायद बहुत ज्यादा बाहर नहीं निकल पाएंगे या निकलना पसंद नहीं करेंगे। तो वो लोग भी अब आपकी जॉगर का हिस्सा बन सकते हैं क्योंकि दे ऑल्सो नीड यू नाउ। रियल इस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन, ये भी इंडस्ट्री है जो अब वेट कर रही है कि हम क्या करें। तो दिस इज वन डीपली इम्पैक्टेड इंडस्ट्री। इवेंट्स, कुछ महीनों तक गैदरिंग्स नहीं कर पाएंगे। आप ऐसे लोगों के बारे में सोचिए जो इवेंट मैनेजमेंट टीम का हिस्सा, जो इवेंट मैनेजर्स हैं जिनके पास 15-20-25 बंदे हैं, बट अब वो बंदों को वो क्या दे वो उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो वहां उनके पास रेडी नेटवर्क है, तो अब अगर आप एक व्यक्ति को वो ऑफर करेंगे तो वो शायद अपने पूरी ऑर्गेनाइजेशन को संभाल पाएंगे। ऑयल एंड गैस, ऑलरेडी द प्राइसेस ऑफ ऑयल वर्ल्ड वाइड इज एंड कंजम्पशन भी हो रहा है एज कम्पेयर टू बिफोर। तो ये इंडस्ट्री में जो लोग थे तो पहले बहुत पैसा कमाते थे, तेल में बहुत पैसा कमाते थे, तो लोगों के पास भी अब समय और थोड़ी सोच है अदर ऑप्शंस। ये जितनी भी इंडस्ट्रीज मैंने बताई फ्रेंड्स, अब सोचना शुरू करिए कि क्या आप नया मेमोरी जॉगर बिल्ड कर पाएंगे, आप नई लिस्ट बिल्ड कर पाएंगे जिसमें ये इंडस्ट्री के लोग आएंगे। हो सकता है पहले आपने अप्रोच किया, हो सकता है आपकी टीम में ऐसे लोग जुड़ भी गए हैं बट वो एक्टिव नहीं थे, अब इज द टाइम टू रिवाइव देम। कौन से बिजनेस फ्लरिश करेंगे, कौन
कौन से बिजनेस अब बहुत जोरदार चलेंगे या फ्लरिश करेंगे वो हम देखते हैं। डिजिटल इंडस्ट्री, आप देखिए रातों रात हम सब ने एप्स चलाना सीख लिया है, हम सब डिजिटलाइज हो चुके हैं, तो आप डिजिटल वाली दुनिया एक्सप्लोर करिए और सोचिए कि ये इंडस्ट्री चलने लगेंगी। आप देखिए एप्लीकेशंस या मोबाइल का यूजेज या स्क्रीन टाइम बढ़ा है, तो लोग स्क्रीन टाइम ज्यादा अगर यूज कर रहे हैं तो आप स्क्रीन पे अपने लेवल्स को चेंज किए, पोस्टिंग की पोस्ट जो आप डालते हैं या डिजिटल आप एक्टिव हैं या फेसबुक या सोशल मीडिया पे आप जो वहां जो डाल रहे हैं वो बहुत क्वालिटी पोस्ट डालिए, अब लोग आपके साथ आएंगे क्योंकि वो खुद खोज रहे हैं। तो डिजिटल इंडस्ट्री बहुत तरक्की करेगी। गिग इकोनॉमी, गिग इकोनॉमी का मतलब है कि मैंने कोई सर्विस यूज करी और उतने के लिए पेमेंट के वो रिश्ता खत्म कर दिया, बहुत लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स नहीं रहेंगी। किस मामले में मैं बताऊंगी, जैसे जॉब वर्क टाइप होता है, जैसे मैंने ओयो रूम हायर किया, ओयो रूम्स किसी का नहीं है, वो कोई होटल का ही है कमरा, बट ओयो उसको बुक करवाया और उसमें ओयो को कुछ कमीशन मिल गया और व्यक्ति को एक अच्छे प्राइस पे होटल की रूम मिल गई। ओला मैंने बुक करी, ओला की बोलते ना ओला की कोई गाड़ी नहीं है, बट ओला कोई चला रहा है और वो उस पल के लिए आपने जो बुकिंग करी उसका 200-400 रुपया आपने दे दिया और आप खत्म कर दिया वो मामला। आपकी वो गाड़ी नहीं है, आप उसका मेंटेनेंस, आप इंश्योरेंस कोई भी चीजों में पड़ती रहे, बट आपको एक पर्सनलाइज कार का सपोर्ट मिल रहा है। तो फ्रेंड्स अपना लोग ऐसी चीजें प्रेफर करेंगे कि भाई टेम्पररी रिलेशनशिप, पैसा थोड़ी देर के लिए इन्वेस्ट करना, वो सर्विस ले लेना और मामला खत्म कर देना। होम गार्डनिंग जैसी चीजें बढ़ेंगे, लोग घरों में यूज करना उगाना पसंद करेंगे, छोटे छोटे बास्केट्स में भी लोग पौधे उगा के अपनी सब्जी खाना पसंद करेंगे, तो ये एक इंडस्ट्री है। तो इस इंडस्ट्री में आप क्या कनेक्ट कर सकते हैं अपने आप को, वो सोचिए। जैसे आप अपना एग्री प्रोडक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। टीचिंग और कोचिंग की इंडस्ट्री बहुत तरक्की पे जाएगी क्योंकि ये ऑनलाइन हो रही है अभी, अब ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस चालू हो गए हैं। फ्रेंड्स पहले जब लोग नेटवर्क मार्केटिंग में या अलग अलग सेल्फ डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स करते थे तो डेफिनेटली ऑनलाइन प्रोग्राम्स करते थे, लाखों रुपए के एक एक कोर्स बाय करते थे और ऑनलाइन अपने मेंटर या वर्चुअल कोच से वो सीखते थे। अब वो दौर और स्ट्रॉन्ग होगा तो ये आपको कैसे काम आएगा ये हमें सोचना है। टीचिंग कोचिंग इंडस्ट्री में, टीचिंग कोचिंग का मतलब मेरे तरफ से ये नहीं है कि आप केवल स्कूल और कॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे, नहीं, बट इवन नेटवर्किंग पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे, टीम पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे। मेंटल हेल्थ और स्पिरिचुअल साइंसेस से कनेक्टेड इंडस्ट्रीज भी बहुत बूम होंगी। तो नेटवर्किंग में तो हम मेंटल हेल्थ पे बहुत काम करते हैं, स्पिरिचुअल साइंसेस यानी जैसे आप देखेंगे भगवद गीता के क्लासेस बहुत ऑनलाइन चल रहे हैं, बहुत सारे लोग मेडिटेशन ऑनलाइन सिखाने लग गए हैं, ब्रीदिंग टेक्निक्स ऑनलाइन सिखा रहे हैं, अलग अलग योगा प्रोग्राम्स ऑनलाइन सिखा रहे हैं, तो ये सारी इकोनॉमीज तरक्की करेंगे। ऐसे लोग अब बिजी होंगे, ऐसे लोगों के पास स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनेंगे। देखिए नेटवर्किंग में तो हमें वैसे ही लोग चाहिए जो नेटवर्क बनाना पसंद करते हैं। और फ्रेंड्स लॉकडाउन के मामले में मैं एक चीज आपको कहना चाहूंगी, मैंने एक अनुभव किया कि पिछले 40-50 दिनों में लोग ओपन माइंडेड हुए हैं सेकेंड इनकम। तो ये जो भी लोगों की मैं बात कर रही हूँ आप इनको टैप करते रहिएगा, बिकॉज नाउ पीपल आर ओपन फॉर अ सेकेंड इनकम, क्योंकि अब वो देख चुके हैं कि एक इनकम में झटका कैसे रातों रात लग सकता है और पूरी दुनिया थम सकती है। रिसोर्सेज यूज करने वाले इंडस्ट्रीज, जैसे यूज ऑफ रिसोर्सेज लाइक नेचुरल रिसोर्सेज, सोलार एनर्जी वगैरह जो रिसोर्स है ये यूज कैसे करना है, उससे जो कनेक्टेड इंडस्ट्रीज है ये भी बूम पे जाएंगी। अल्टरनेटिव मेडिसिन, फ्रेंड्स हम तो 15 साल से 16 साल है हमारा, हम सप्लीमेंट्स के बारे में बातें कर रहे हैं, बट आप बिलीव नहीं करेंगे फ्रेंड्स, अभी आप न्यूज चैनल्स देखिए, अब होम्योपैथी को
नेचुरोपैथी को, आयुर्वेदा को गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया है फॉर ट्रायल्स। परसों से आयुर्वेदा के ट्रायल्स चालू हो गए हैं और कहते हैं कि महीने डेढ़ महीने में कोविड पेशेंट्स या कोविड वॉरियर्स की बॉडी पे इसका क्या इम्पैक्ट है वो अब सामने आएगा। आज से पहले जब हम सप्लीमेंट की बात करते थे तो कई सारे लोग कहते थे कि नहीं मैं नहीं लूंगा, मैं तो डॉक्टर की दवाई लूंगा। बट फ्रेंड्स अब ना लोग बहुत अलग नजरिए से वेस्टीज को और सप्लीमेंट्स को देखने लगेंगे, तो आपके लिए बहुत नए एवेन्यूज ओपन हो रहे हैं। मेडिक्लेम एंड इंश्योरेंसेस बहुत बोलते हैं ना मार्केट में स्ट्रॉन्ग चलेंगे। और फ्रेंड्स नेटवर्क मार्केटिंग हमारी जो इंडस्ट्री है, वैसे भी हमारी इंडस्ट्री का बूम टाइम आया हुआ है, हमारी इंडस्ट्री के कोर्स बनने लगे, हमारी इंडस्ट्री बोलते ना एक पीक टाइम पे आई हुई है जहां हम ग्रो कर रहे हैं। अब बेस्ट चीज है कि हम बेस्ट ब्रांड के साथ भी हैं। एज अ कंपनी वेस्टीज इज नंबर वन, वेरी स्टेबल, वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी विजनरी। आप देखिए लॉकडाउन है, कंपनी भी तो अपने ऑफिस में या गोडाउन्स में या फैक्ट्रीज में काम नहीं करा पा रही है, बट उसके बावजूद कंपनी इज गिविंग यू द स्टॉक। जो कुरियर इश्यूज थे उसके बावजूद भी धीमे 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 पूरे टीम माल मिल लगा है, प्रोडक्ट मिलने लगे हैं और चीजें इंप्रूव हो रही हैं। कंपनी ने हर महीने मंथ क्लोजिंग करी, पे आउट रिलीज करा, कंपनी ने कॉन्ट्रीब्यूशन के तौर पे लोगों को सप्लीमेंट्स फ्री में बांटे। कंपनी बोलते ना खाना बांटा दिल्ली शहर में कई हजारों लोगों को और बहुत कंट्रीब्यूट किया। लीडरशिप ने भी, आप सबने, हम सबने भी पीएम केयर फंड में डोनेट करा। तो नेटवर्क मार्केटिंग में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हमें राइट कंपनी के साथ बने हुए रहना है और एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ रहना है। फ्रेंड्स नॉर्मल दिनों पे तो कोई भी सर्वाइव कर लेता है और बोलते ना मोटिवेशन में जिंदगी चल जाती है, बट लाइफ इज नॉट अबाउट जस्ट बीइंग टेम्परेरली मोटिवेटेड, बट लाइफ इज अबाउट हैविंग अ लॉन्ग टर्म विजन एंड स्टेइंग विद द बेस्ट कंपनी। तो इस माहौल में कंपनी आप देखिए कितना अच्छा हमें सपोर्ट कर रही है। और कंपनी लॉकडाउन को नजर में रखते हुए आपको प्री एनिवर्सरी ऑफर भी दी हुई है कि नेसेसिटीज और एसेंशियल्स हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के घरों में अच्छे दामों पे पहुंचे और लोग इसको खरीद सके। कंपनी भी समझ रही है कि इनकम्स की जो है आना डिफिकल्ट हुआ है, जो लोग पार्ट टाइमर्स थे फुल टाइमर्स हैं, देख रही है कंपनी के जॉब इनकम्स भी थोड़ी ऊपर नीचे हो रही है, तो कंपनी ने आपको डिस्काउंटेड रेट पे प्रोडक्ट दिया हुआ है। तो स्टे विद द बेस्ट कंपनी, ये आपको भविष्य दे सकती है और हम सब ब्लेस्ड हैं कि हम वेस्टीज के साथ हैं और नंबर वन के साथ हैं और वर्ल्ड की टॉप 30 में से एक कंपनी के साथ हैं। तो दिस आर गोइंग टू द प्रोग्रेसिव इंडस्ट्रीज, तो इनमें भी हमें नजर रखनी है। इन लोगों का भी एक स्ट्रॉन्ग आपका मेमोरी जॉगर बन सकता है, जो आपको अब बोलते ना ग्रोइंग बिजनेस दे सकते हैं, क्योंकि ये अब कमाने वाले हैं और जो कमाएगा वही तो खर्च करेगा और जो नहीं कमाएगा वो कमाने के लिए आपकी इंडस्ट्री में आएगा। ठीक है, तो आप इंडस्ट्री देखिए, इंसान देखिए और फिर उसको प्रोडक्ट ऑफर करना है या अपॉर्चुनिटी ऑफर करना है ये ध्यान में रखिए। हु विल फ्लरिश, कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो लॉकडाउन के इस माहौल में चेंज में फ्लरिश करेगा। हमें अपने आप को बदलना होगा, चेंज इज द ओनली कॉन्स्टेंट थिंग इन द ग्रोइंग वर्ल्ड, परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो वो व्यक्ति फ्लरिश करेगा जो एक्सेप्ट कर लेगा। बहुत सारे लोग आज भी कहते हैं ना, रो रहे हैं कि यार ऐसे में कैसे काम करें, ये नहीं हो रहा है, मुझे ऑनलाइन नहीं आ रहा है, मेरी टीम को ऑन नहीं आ रहा है, मेरी टीम जूम नहीं करना चाहती है। ऐसे लोग बहुत टफ टाइम में पहुंच जाएंगे, बट ऐसे लोग जो कहेंगे चलो सीखते हैं, कुछ भी करके सीखते हैं, यूट्यूब पे वीडियो देख के सीखते हैं, MWW जो गाइडेंस दे रहा है उससे हम सीखते हैं, पावर टॉक के माध्यम से सीखते हैं, जो एक्सेप्ट कर लेगा ना लॉकडाउन की स्थिति को, वो जरूर से चेंज को बोलते ना एक्सेप्ट करने के बाद ग्रो करेगा।
तो नंबर वन, वी विल हैव टू एक्सेप्ट आवर सिचुएशंस कि यही है, जो भी है यही स्थिति है, इसी में मुझे कमाना है, इसी में मुझे ग्रो करना है, इसी में एक नया नेटवर्क मुझे एस्टैब्लिश करना है। कई सारी टीम्स आप इस परिवर्तन को एक्सेप्ट कर रही है, कई नहीं कर रही है, तो जो टीम एक्सेप्ट कर रही है उनके साथ काम करिए, जो नहीं कर रही है उनको रिप्लेस करिए विथ न्यू नेटवर्क्स, वेरी इंपॉर्टेंट फेज। सेकेंड, जो नया रोल मॉडल बन पाएगा। देखिए फ्रेंड्स, हम स्टोरीज बताते हैं, मैंने यहाँ नेटवर्क बिल्ड किया, मैंने वहां नेटवर्क बिल्ड किया, मैंने ऐसे नेटवर्क किया, मैं यहाँ गई थी, मैं वहां गई थी, ये पुरानी कहानी हुई, ये भी काम आएगी, बट इसके साथ नई कहानी क्रिएट करनी होगी आने वाले 8 दिनों में कि लॉकडाउन के इस समय पे मैंने ऐसे लोगों को ज्वाइन करा, मैंने हॉट मार्केट SMS के माध्यम से, मैंने व्हाट्सएप के माध्यम से, मैंने इंस्टाग्राम के माध्यम से, मैंने जूम के माध्यम से ये नेटवर्क क्रिएट किया, इतना PV जनरेट किया और मेरा ये व्यक्ति फास्ट स्टार्ट 8% पे गया है। लॉकडाउन ज्वाइनिंग, मेरी लॉकडाउन ज्वाइनिंग की मैंने होम मीटिंग करी है और मेरी लॉकडाउन ज्वाइनिंग आज 8% पे है, 11% पे है, 17 पे है, 20 पे है, उसका चेक 5,000 का है, उसका चेक 10,000 का है। ये नया स्टोरी क्रिएट करने को आपको हर व्यक्ति को एक रोल मॉडल बनना होगा। फ्रेंड्स, क्यों हर व्यक्ति को? क्योंकि दीपल मैम के लिए, निलेश सर के लिए, MWW के सारे करोड़पतियों के लिए लॉकडाउन तो एक नई चीज है, तो ये सब भी अपनी स्टोरी बनाएंगे, ये सब भी अपने टेस्टिमोनियल लेके आपके सामने आएंगे। बट क्यों ना आप खुद भी एक स्टोरी, एक रोल मॉडल बन जाए कि मैंने ऐसे किया, आप भी ट्राई कर सकते हैं। जब हम ये हफ्ते भर में करेंगे तो जो ये छोटी छोटी स्टोरीज आपकी लॉकडाउन पीरियड की बनेंगी कि मैंने 3 नए फास्टैग 8% क्रिएट किए, मैंने एक नया 11% क्रिएट किया, लॉकडाउन में मैंने ऑनलाइन एजुकेशन करके एक प्योरीफायर का सेल फ्लो किया, जब आप ये छोटे 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 रिजल्ट भी लेकर आएंगे तो बिलीव करिए फ्रेंड्स, 90 डेज के अंदर ये बहुत बड़ा मोमेंटम क्रिएट हो रहा होगा। तो आपको एक नया रोल मॉडल बनना होगा। आई एम श्योर आप जितने भी लोग अभी इसको सुन रहे हैं वो एक हफ्ते के अंदर कोई ना कोई एक स्टोरी जरूर क्रिएट करेंगे और अपने आप को एक रोल मॉडल साबित करेंगे और आने वाले 90 डेज में ऐसी कई छोटी छोटी स्टोरीज के माध्यम से एक नया उदाहरण आपकी टीम में लॉकडाउन के वक्त का क्रिएट करेंगे। और कौन से ऐसे लोग जो इस पीरियड में तरक्की करेंगे, वो होंगे जो अपने फियर को मैनेज करेंगे। आज वायरस, बीमारी, ये बहुत नेगेटिव चीजें हैं और बहुत सारा फियर अंदर जनरेट करती हैं। जो व्यक्ति फियर मैनेजमेंट कर लेगा, अपने फियर, अपनी टीम के फियर्स को मैनेज कर लेगा, जॉब के जाने के डर को, या अपनी इनकम के बोलते ना जीरो होने के डर को, या घर कैसे चलेगा, या मेरे नेटवर्क कैसे ग्रो होंगे, ये सारे डर जिनके अंदर है, जो मैनेज करना सीख जाएंगे वो व्यक्ति जरूर ग्रो करेगा। और वो फियर मैनेजमेंट के लिए मैं रेकमेंड करना चाहूंगी दो चीजें। दीपल मैम का MWW ऐप पे मॉर्निंग रिचुअल्स जो है वो फॉलो करें, सुबह जल्दी उठना शुरू करें। फ्रेंड्स, लॉकडाउन में लोगों ने क्या किया है, रात को लेट नाइट बहुत लोग सो रहे हैं, मूवीज देख रहे हैं, नेटफ्लिक्स बिंजिंग चालू है, और सुबह 10-11 बजे उठना, लेट नाश्ता करना, लेट लंच करना, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प अस। लेट्स कम बैक इनटू आवर रूटीन्स, स्लीप ऑन टाइम, वेक अप ऑन टाइम, स्टार्ट योर डे विद मॉर्निंग रिचुअल्स। दीपल मैम का और एक जो मॉड्यूल है मैं रेकमेंड करूंगी फी मैनेजमेंट के लिए या इमोशनल मैनेजमेंट के लिए, आई कैन लीड, ये जो एक मॉड्यूल है उसको फॉलो करिए और अपने इमोशंस को ऑन प्लेस करिए। जो व्यक्ति इस टाइम पे अपने इमोशंस को, अपने फियर्स को मैनेज कर लेगा वो डेफिनेटली एज अ विनर इवॉल्व होगा। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, सेल्फ डिसिप्लिन व्यक्ति ही अब ग्रो करेगा। फ्रेंड्स, अब तो हमारे पास चॉइस है कि हम जूम पे हैं, हम सो के वीडियो देख रहे हैं, हम अनप्रोफेशनल कपड़ों में हैं,
और हम बिना नोटबुक पेन या डायरी के सोते हुए वीडियोस देख रहे हैं, तो सॉरी आपका कुछ नहीं हो सकता क्योंकि आप सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है। आप अगर सेल्फ डिसिप्लिन है तो ही आप रोज अपना स्केड्यूल पहले की तरह बना पाएंगे। आप अपना MWW प्लानर खोलेंगे, आप उसको सामने रखेंगे और हर दिन की अपॉइंटमेंट्स फिक्स करते जाएंगे। जो आप पहले फिजिकल करते थे अब वो वर्चुअल करना शुरू कर देंगे। फ्रेंड्स, लॉकडाउन के इस पूरे समय में भले जितना भी काम मैं कर रही हूँ, बिकॉज मैं एक बोलते ना जिम्मेदारी के साथ हूँ, दो बच्चे, उनकी स्कूलिंग ऑनलाइन चल रही है, उसमें हेल्प करना है, प्लस घर के काम करने हैं, तो इस सब के साथ भी मेरा प्लानर रोज मेरे साथ है। माय MWW प्लानर इज माय बेस्ट फ्रेंड एवरी मोमेंट। वो मेरे मैकबुक के साथ हमेशा रहता है और मैं उसमें आज भी अपनी मीटिंग रोज लिख रही हूँ कि कल मुझे क्या करना है, कल कौन सी टीम के साथ करना है, कल कौन सी टीम के प्रोस्पेक्ट्स के साथ करना है, कल कौन सी टीम की काउंसलिंग करनी है, या कौन सी टीम को गाइडेंस देनी है, ब्रॉन्ज एंड अबो के साथ कब बात करनी है, नेटवर्क रिव्यू कब करना है। सेल्फ डिसिप्लिन ये आपको बहुत जरूरी है, जो आपको करना होगा और पहले की तरह ही करना है, बट वर्चुअल करना है। कुछ भी नहीं बदला है, सब कुछ सेम है, बट फिजिकल के बदले वर्चुअल हो जाएगा। ओके, सेल्फ डिसिप्लिन। फ्रेंड्स, अगर आप सिर्फ लॉकडाउन में इस एक शब्द को पकड़ लें कि मैं रोज का एक प्लान करूंगा और मैं कुछ भी हो जाए मैं सेल्फ डिसिप्लिन नहीं तोड़ूंगा, या मैं सुबह के मॉर्निंग रिचुअल्स के साथ रोज दो प्लान करूंगा, एक डिसिप्लिन आज लिख लीजिए अपने फ्रिज पे, अपने विजन बोर्ड पे, अपने घर की दीवार पे, और इस सेल्फ डिसिप्लिन को कभी मत तोड़िएगा। आप देखिएगा यू विल इवॉल्व एज अ न्यू इंडिविजुअल आफ्टर दिस लॉकडाउन, या इवन ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन यू विल बी प्राउड ऑफ योर ओन सेल्फ इन लॉकडाउन। फ्रेंड्स, आइदर यू हैव गॉट द मोमेंटम थ्रू नेटवर्क्स, थ्रू वर्चुअल ट्रेनिंग्स, आइदर यू आर वेटिंग फॉर इट। अगर आप मोमेंटम लेकर आए हैं तो मैसिव मोमेंटम क्रिएट करने का टाइम आ गया है, और अगर आपने अभी तक मोमेंटम नहीं लाया है, आप वेट कर रहे हैं कि चीजें बदल जाए फिर काम करूं, तो नो। आज बोलते हैं ना, घर में ही शूलेस बांध लीजिए और लेट्स गेट बैक टू रूटीन्स, लेट्स गेट बैक टू आर प्लानर्स, लेट्स गेट बैक टू आर मोबाइल फोन्स एंड लैपटॉप्स एंड स्टार्ट वर्किंग। अगर मोमेंटम लाया है बहुत बढ़िया, नहीं लाया है तो लेट टूडे बी द फर्स्ट डे। थिंक वॉट इज स्पेशल अबाउट यू। फ्रेंड्स, इस दौर में भी आप कुछ दे पाएंगे, कुछ है आपके अंदर जो आपको खोजना होगा। क्या आप मेंटल हेल्थ पे लोगों को अच्छे से गाइड कर पाते हैं, क्या आप योगा में अच्छे हैं, क्या आप बोलते ना कोई ऐसी थेरेपी जानते हैं, कुछ तो आपके अंदर बात होगी। क्या आप उस स्पेशल चीज को एक्सप्लोर करते हुए अपने बिजनेस, अपनी टीम को कनेक्ट करें और वो जो कनेक्शन करें उसमें कुछ अलग दें, क्योंकि लोग इस पीरियड में कुछ अलग ढूंढ रहे हैं। मैंने 200 लोगों का सर्वे कराया और समझने की कोशिश करी कि लोग क्या चाहते हैं। तो लोग एंटरटेनमेंट चाह रहे हैं, लोग हेल्थ के बारे में नया सीखना चाह रहे हैं, लोग ऑनलाइन चीजों को एक्सप्लोर करने के मूड में आए हैं, लोग ऑनलाइन कंटेंट, अच्छी चीजों को सुनने और समझने के मूड में हैं, लोग ऑनलाइन आपके साथ खेलना चाह रहे हैं, गाना चाह रहे हैं। तो करिए ना कुछ, आपके अंदर कोई ना कोई प्रतिभा होगी, वो बाहर निकालिए और उसको कंबाइन करिए अपने बिजनेस के साथ, और सीरियसली अपना बिजनेस भी करिए और लोगों के साथ कनेक्ट हो जाइए। आपके अंदर की कोई एक चीज जो शायद आज तक आप एक्सप्लोर नहीं कर पाए थे, शायद इस पीरियड में आप एक्सप्लोर करें और वो जो आपके अंदर खास है वो बांटे लोगों में, और बोलते ना उसके थ्रू भी कई सारे नए कनेक्शंस आपके एस्टैब्लिश होंगे और लोग आपसे कनेक्ट होना पसंद करेंगे। तो थिंक फ्रेंड्स, एवरी इंडिविजुअल हैज समथिंग स्पेशल। जैसे मैं एक चीज ऑब्जर्व कर रही हूँ पावर टॉक्स में कि दीपल मैम कितने सारे लोगों के इंटरव्यू कर रही हैं,
और मैम हर बंदे की, हर इंसान की जो उनके सामने बैठा हुआ है उसकी स्टडी मैम ने इतनी परफेक्ट करी हुई है कि उसका बेस्ट बाहर निकाल रही है। तो आपको भी अपने अंदर का बेस्ट निकालना है और टीम में ढूंढना है कि किसमें क्या खास है। मे बी सम डॉक्टर इन योर टीम, उनका इंटरव्यू करा दीजिए जूम पे, 30-40 लोगों की मीटिंग करा दीजिए जिसमें आपको डॉक्टर अपने कुछ अनुभव शेयर कर दे, वो आप करा सकते हैं। आपकी टीम में कोई बोलते ना योगा स्पेशलिस्ट है, तो आप अपना जो भी एजुकेशन प्रोग्राम कर रहे हैं उसमें आप 10-15 मिनट्स योगा भी ऑनलाइन टीच कर सकते हैं, क्योंकि लोग आज ढूंढ रहे हैं स्ट्रेस फ्री होने के लिए चीजें ढूंढ रहे हैं। तो ढूंढिए कि क्या आप में कुछ है जो आप लोगों को सकते हैं। जैसे MWW पावर टॉक्स दे रहा है, मिरेकल मॉर्निंग रिचुअल्स हैं, ये लोगों को हेल्प कर रहे हैं, तो आप भी कुछ ना कुछ दे पाएंगे। वो देने का काम करिए और अपने अंदर की कोई स्पेशल चीज को अब एक्सप्लोर करिए, क्योंकि अब आपके पास समय है, उसको बाहर निकालिए और उसके साथ भी आप देखिएगा कि आपका बिजनेस बहुत बूम होगा। अब मैं आपके साथ कुछ स्ट्रेटजीज शेयर कर रही हूँ जो दीपल मैम ने और नीलेश सर ने हमारे साथ शेयर करी है डायमंड एंड अबव मीटिंग में। तो स्ट्रेटजी नंबर वन, मेक मोर कस्टमर्स। फ्रेंड्स, कई सारे लोगों को हमने सप्लीमेंट्स पहले बताए थे, हमने उनको हमारे राइस ब्रांड तेल के बारे में बताया था, हमने उनको हमारे पैराबिन फ्री शैम्पू के बारे में बताया था, बट उन्होंने शायद ध्यान नहीं दिया था। अब शायद दे अब कॉन्शियसनेस चेंज हो गई है। विटामिन सी पहले लोग इतना ध्यान नहीं देते थे, अब विटामिन सी बहुत बड़ी चीज हो गई है लोगों के लिए, तो वो देखिए। तो क्या करेंगे उन लोगों को जिनको आपने पहले अप्रोच किया था, अपनी डायरिया निकालिए और वापस से उनको अप्रोच करिए और मेक मोर कस्टमर्स। और डिस्काउंट्स हैं तो वो ध्यान दीजिए कि आपको ज्यादा इनकम होगी, आप ये इनकम कमा सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कुछ अच्छे काम इन इनकम से आप कर सकते हैं अपने घर में और लोगों के लाइफ में भी। तो नंबर वन स्ट्रैटेजी, मेक मोर कस्टमर्स। 20 से ज्यादा कस्टमर्स अगर आप बना लेते हैं तो आप भविष्य की पाइपलाइन भर रहे हैं। कैसे, मैं आगे चल के आपको बता रही हूँ। स्ट्रैटेजी नंबर टू, कस्टमर टू डिस्ट्रीब्यूटर। आपके पास बहुत कस्टमर्स पहले के होंगे जो रेगुलरली आपसे बोलते ना होम केयर के प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं या आपसे सप्लीमेंट्स खरीद रहे हैं, इनको आप अब अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। बट कैसे, वो थोड़ा ध्यान से समझिए। मेक देम कस्टमर टू डिस्ट्रीब्यूटर। आप उनको ज्यादा डिस्काउंट्स आए हैं ये बता सकते हैं, केवल प्रोडक्ट्स की बातें कर सकते हैं, मेटामाइंड आ रहा है उसकी बातें कर सकते हैं और बहुत अच्छी सर्विस दे सकते हैं उनको। प्रोडक्ट्स कैसे अच्छे से पहुंच सके, कैसे वो ऑनलाइन अच्छे से ऑर्डर कर सकते हैं, वो आप लाइव उनकी ट्रेनिंग करके सिखा सकते हैं। उनके साथ प्रोडक्ट स्टोरी शेयर कर सकते हैं। मिलियनर वर्ल्ड वाइड में अभी एक स्टोरी टेलिंग कॉन्टेस्ट चालू है, तो ये कॉन्टेस्ट में आप भाग लीजिए, 2-3 मिनट की एक स्टोरी शेयर करिए। हमने आपको ईमेल आईडी दिया हुआ है, फोन नंबर दिया हुआ है जहाँ पे आप व्हाट्सअप करेंगे। फ्रेंड्स, आपको गिफ्ट्स तो मिलेंगी बट आपकी स्टोरी से हम लाखों लोगों को MWW फैमिली और वेस्टीज फैमिली में इंस्पायर कर पाएंगे। तो ऐसी प्रोडक्ट स्टोरीज, छोटी छोटी स्टोरीज, बहुत लंबी नहीं, छोटी छोटी स्टोरीज कस्टमर के साथ शेयर करिए, विच विल इंस्पायर देम टू बिकम योर डिस्ट्रीब्यूटर। कम्युनिकेशन करिए इनके साथ, फोन के माध्यम से कम्युनिकेशन करिए। और कम्युनिकेशन कैसा करिए, कि आज की स्थिति की बात करिए, कैसे प्रोडक्ट्स इनकी हेल्थ को बेटर बना सकते हैं वो बात करिए, एक्स्ट्रा इनकम, कितनी एक्स्ट्रा इनकम, 5,000 रुपया, 10,000 रुपया ये कमा सकते हैं, और बोलते ना छोटी छोटी इनकम्स। बहुत सारी लेडीज आपने देखा होगा वो ऑनलाइन कुर्तियां सेल करती थी, वो बोलते ना लेडीज घर में चीजों को बनाती थी और सप्लाई करती थी। बहुत सारे लोगों की कारोबार नहीं है एट द मोमेंट, इन लोगों को अगर आप एक्स्ट्रा इनकम थ्रू द प्रोडक्ट वाला ऑप्शन देंगे तो दे विल रियली लव इट। एंड लेडीज स्पेशली, जो वर्ल्ड में आज 78% बिजनेस आ रहा है वो लेडीज के माध्यम से आ रहा है,
तो लेडीज को भी आप ज्यादा एक्स्ट्रा इनकम थ्रू द प्रोडक्ट. मैंने देखा है कि लेडीज की लॉयल्टी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है प्रोडक्ट की ओर, तो इनको आप ऑफर जब करेंगे तो ब्यूटीफुली आपको यहाँ से टर्नअप्स बहुत अच्छे मिलेंगे. तो सेकेंड स्ट्रैटेजी होगी कस्टमर टू डिस्ट्रीब्यूटर. द थर्ड स्ट्रैटेजी विल बी इनएक्टिव टू एक्टिव. इनएक्टिव लोग कहीं नेटवर्क्स में होते हैं, फ्रेंड्स ज्वाइन तो कर लेते हैं आपको, बट काम नहीं करते या कुछ संजोगों के हिसाब से वो आपके साथ काम नहीं कर पाए. तो अब शायद आप उन्हें कन्वर्ट कर सकते हैं. हो सकता है कोई टॉप कंपनी का मैनेजर आपके साथ है, कोई हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के लोग आपके साथ हैं, कोई रेस्टोरेंट का मालिक आपके साथ है, कोई पेट्रोल पंप के ओनर आपके साथ हैं, बट एक्टिव नहीं है. ऐसे एंड इनएक्टिव को एक्टिव में अब कन्वर्ट करने का समय आ गया है. हो सकता है पहले किसी की फैमिली इनकम बहुत स्ट्रांग थी, अब वो थोड़ी डिस्टर्ब हुई होगी. प्लीज लेट्स नॉट गेट ग्रीडी अबाउट इट. इन अ वेरी गुड इंटेंशन वे गो बैक टू दैट पर्सन, टॉक टू देम द रियालिटी कि बाहर मार्केट में हालत बहुत खराब है, मैं समझ रहा हूँ, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं आपके साथ प्रेस्टीज के बारे में बात करना चाह रहा था, प्रेस्टीज में जो चीजें अच्छी हो रही है वो मैं शेयर करना चाह रहा हूँ. तो रियालिटी की बात करिए इनके साथ और फोन पे बात करिए. तो ये इनएक्टिव लोग आपके साथ जरूर कम्युनिकेट करना पसंद करेंगे. डिस्काउंट्स की बात करिए, टेस्टिमनीज की बात करिए. फ्रेंड्स टेस्टिमनीज आप कैसे शेयर कर सकते हैं कि मेरी टीम में ऐसे लोग हैं जो लॉकडाउन में भी काम कर रहे थे. सपोज आपकी टीम में कोई लीडर है जिन्होंने ब्रॉन्ज लेवल अचीव करा है, ब्रॉन्ज यानी 2001 पीवी करा. जस्ट वन मोमेंट. यानी 60-70,000 का इन्होंने टर्नओवर जनरेट करा है. तो आप शेयर कैसे करेंगे पता है कि मेरे टीम में लोग हैं जो लॉकडाउन में भी उनके नॉर्मल जॉब्स पे नहीं जा पाए, वो बिजनेस नहीं कर पाए, लेकिन आपको पता है उन्होंने 60,000 रुपीस का टर्नओवर वेस्टीज से जनरेट किया है. उन्होंने 1,00,000 का बिजनेस जनरेट किया है, उन्होंने 2,00,000 बिजनेस जनरेट किया है. ऐसे करके आप शेयर करिए, आप देखिए लोग बहुत एक्साइट होंगे ये छोटे छोटे फिगर्स भी सुन के, बहुत एक्साइट होंगे. जरूरी नहीं है कि आपका टर्नओवर लाखों का ही आप बता सकते हैं, नहीं. इवन स्मॉल टर्नओवर्स व्हेन यू शेयर पीपल आर गेटिंग हैप्पी. फ्रेंड्स आप स्टेटस ही डाल दीजिए अपना कि इन लॉकडाउन माय बिजनेस टर्नओवर वाज 2,00,000 रुपीस या जो भी एक्चुअल फिगर है वो आप डालिए, पीपल विल गेट हैप्पी अबाउट इट एंड दे विल कॉल यू बैक. फ्रेंड्स बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशंस, नीलेश सर बता रहे थे उस दिन हम जब बातें कर रहे थे कि मारुति जैसे अशोक लीलैंड जैसी कंपनियों ने एक भी गाड़ी नहीं बेची. जाहिर सी बात है लॉकडाउन में कैसे बेचेंगे. तो जीरो टर्नओवर पे बड़े बड़े कॉर्पोरेशंस बैठे हुए हैं. आपने अगर 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000, 10,00,000, 20,00,000 जो भी टर्नओवर किया है ये वाकई में एक बहुत बड़ी चीज है. तो ये आप लोगों के साथ शेयर करिए और वेस्टीज के भविष्य की बातें करिए. वेस्टीज फ्रेंड्स आई रिमेम्बर जब मैंने ज्वाइन भी नहीं किया था तो वेस्टीज ज्वाइन जब किया तब वेस्टीज टॉप 100 में भी नहीं था. फिर वेस्टीज टॉप 100 में आया, 91 की रैंकिंग पे आया, फिर 63 की रैंकिंग पे आया, फिर वेस्टीज अब टॉप 30 में आ चुका है. और अब बोलते हैं ना वाली सर का विजन है, हमारे एम्बेसडर्स का विजन है कि बहुत जल्द वेस्टीज टॉप 10 और फिर टॉप 5 में आएगा. उस दिन जब हम पावर टॉक में वाली सर से बातें कर रहे थे, वाली सर ने टॉप 10 और टॉप 5 में भी आने की बातें करी हैं. और हम जानते हैं कि वाली सर जो बोलते हैं वो करके भी दिखाते हैं. और डेफिनेटली पूरा परिवार हमारा एक साथ है, MWW परिवार, वेस्टीज परिवार पूरा है. तो ये फ्यूचर लोगों के साथ शेयर करिए ताकि वो सिक्योर महसूस करें और वो इनएक्टिव से एक्टिव की कैटेगरी में आए. स्ट्रेटजी नंबर 4, एक्टिव टू प्रोएक्टिव. जो आज एक्टिव है, जो आपके साथ जूम पे कनेक्टेड है, जो हर मीटिंग में आ रहा है, जो आपकी बात सुन रहा है, अब समय है उसको आप एक्शन पे लगाइए. फ्रेंड्स ऑलमोस्ट 45 डेज
ऑफ योर लाइफ यू आर टेकिंग नॉन स्टॉप ट्रेनिंग्स, जो आपने पहले नहीं सुनी थी उतनी ट्रेनिंग्स आप सुन चुके हैं, तो अब समय है वो सुना हुआ इम्प्लीमेंट करने का और एक्शन में आने का। तो फ्रेंड्स क्या करेंगे, अभी एक्टिव को प्रोएक्टिव बनाएंगे, अपने आप को भी प्रोएक्टिव बनाएंगे। अब आप क्या करेंगे, आज इस सेशन के बाद अपनी एक्टिव की लिस्ट बनाएंगे और कॉलिंग स्टार्ट कर देंगे, और आप उन्हें क्या करेंगे, एक्टिव में कन्वर्ट करेंगे। आप अगर कई सारे लोगों को एक्टिव में कन्वर्ट कर देंगे तो आप एक्टिव टू प्रोएक्टिव में चले जाएंगे, और एक्टिव टू प्रोएक्टिव जाएंगे तो आपके चेक मल्टीप्लाई होने शुरू होंगे। पावर टॉक्स रेगुलरली अटेंड करना है, अच्छे से ड्रेस करके नोटबुक पेन ले आपको पावर टॉक अटेंड करना है, प्रोफेशनली करना है। आपके घर के लोगों को भी रियलाइज होना चाहिए कि आप इस बिजनेस को कितना सीरियसली कर रहे हैं। और जो लोग एक्टिव टू प्रोएक्टिव जाना चाहते हैं वो 3 नए स्पॉन्सर करेंगे खुद पर्सनली, ताकि आप अपनी एक लॉकडाउन टेस्टिमनी क्रिएट कर सके कि मैंने 3 लोगों को स्पॉन्सर किया है, ऐसे किया है, अब आप भी करिए, ताकि आप अपनी पूरी टीम्स को, ये जो अब एक्टिव हो रहे हैं या जो एक्टिव से प्रोएक्टिव जाना चाह रहे हैं, उनको आप ये ट्रेन कर सके। प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स अटेंड कराइए आपके एक्टिव लोगों को, और जो इनएक्टिव भी एक्टिव हो रहे हैं उनको भी आपको अब प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स अटेंड करानी है। और फ्रेंड्स पहले हम सब हैप्पी होके होम मीटिंग्स करते थे, हमारी होम मीटिंग्स में 5,000, 10,000, 20,000, 30,000, इवन आई हैव सीन 60,000 रुपीस ऑर्डर इन वन सिंगल होम मीटिंग। 60,000 रुपीस का ऑर्डर एक होम मीटिंग में मैंने देखा हुआ है, आम आदमी की होम मीटिंग, कोई ऐसे याहू नहीं, नॉर्मल होम मीटिंग विद 30 पीपल, मैंने उसमें 60,000 रुपीस का ऑर्डर देखा हुआ है। और हम सब जितनी भी लीडरशिप आपके साथ बात करती है, हम सब ने अपनी लाइफ होम मीटिंग से ही तो शुरू करी है, और अभी तो आपको प्रोफेशनल होम मीटिंग्स पता है, हमें तो पता ही नहीं थी। हम तो बोलते ना चीजों को लेकर जाते थे, थोड़े डेमो दिखा देते थे और ऑर्डर ले लेते थे। तो फ्रेंड्स सिस्टम आपको बहुत कुछ दे रही है, तो अब आपको स्टार्ट कर देनी है जूम होम मीटिंग। जो भी आपका व्यक्ति एक्टिव व्यक्ति है उसकी MWW प्लानर खोलिए और होम मीटिंग की डेट पहले जैसे हम लेते थे ना, सेम वे में हमको ले लेनी है, और उसको कहना है जूम पे अपने 4-5 लोगों को बुला लो, मैं आपकी होम मीटिंग करने आऊंगी। फ्रेंड्स पहले भी होम मीटिंग में ऐसा होता था कि 15 को बुलाते थे तो 7-8 आते थे, अभी भी ऐसा होगा कि आप 15-20 को बुलाएंगे, 7-8-10 आएंगे, उनकी होम मीटिंग आपको करनी है और ऑर्डर्स आपके निकलने शुरू हो जाएंगे। तो आर नेक्स्ट स्ट्रेटजी इज वी कन्वर्ट आर एक्टिव पीपल इनटू प्रोएक्टिव पीपल। रिमेंबर MWW प्लानर आपके हाथ में होना चाहिए। स्ट्रेटजी नंबर 5 द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपको प्रोएक्टिव से सुपर एक्टिव जाना है, अगर आपको आपका चेक 6-figure चेक लेकर जाना है, इस स्थिति में भी अगर आप अभी काम कर रहे हैं, जूम पे हैं, पावर टॉक्स पे हैं और MWW ऐप पे हैं, सिस्टम से कनेक्टेड हैं और आप अभी अच्छा इनकम ले रहे हैं, बट आप इसको 6-figure में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो गेट इनटू प्रोएक्टिव टू सुपर एक्टिव। जितने काम आपको बताए गए हैं वो ज्यादा से ज्यादा एग्रेसिवली विद हाईएस्ट एनर्जी आपको करते रहना है, और वेरी सून आपके लिए 90 days गेम प्लान थ्रू इनविटेशन ओनली जूम पे मिलेगा। और फ्रेंड्स प्रोएक्टिव टू सुपर एक्टिव आपको जाना है, और बूट कैंप में पहले भी सीखा है 90 days गेम प्लान, तो आप उस 90 days गेम प्लान को रन करेंगे, आप इसकी पूरी स्ट्रेटेजी बनाएंगे अपनी टीम के साथ, अपने एक्टिव अपलाइन के साथ, और 90 days गेम प्लान को रन करेंगे। गेम प्लान में आपको ब्लिट्स और ये सारी चीजें सिखाई गई हैं, वो आप रन करेंगे, और जिसे ये नहीं पता है वो अपने एक्टिव लीडर को जाके पूछेंगे, और 90 days तक, आने वाले 90 days तक नॉन स्टॉप एक्टिविटी करके वो अपने टीम में लाएंगे मैसिव एक्शन और मैसिव मोमेंटम। और आई एम श्योर आप लॉकडाउन में भी कुछ वंडर्स करके दिखाएंगे, आपकी नई लिस्ट अब आपके सामने होगी, नया एक्शन होगा, नया रिजल्ट होगा, और फिर पूरी दुनिया आपको फॉलो करेगी, आप बनेंगे रोल मॉडल्स।
अब आपको करना है एक्टिविटी, लॉट ऑफ एक्टिविटी, सुनना नहीं है सिर्फ जूम पे, इस कमरे से उस कमरे में, उस कमरे से उस कमरे में, खाली एक्टिविटी सुननी नहीं है, ट्रेनिंग सुननी नहीं है। अब जो सीखा है वो देने का समय आ गया है, अब आपका समय है कि आप अब ये देना शुरू करें अपनी टीम्स को, अपने प्रोस्पेक्ट्स को, अपने डाउनलाइंस को, अपने इनएक्टिव टू एक्टिव, एक्टिव टू प्रोएक्टिव एंड प्रोएक्टिव टू सुपर एक्टिव टीम्स को आप ये देना शुरू करें। फ्रेंड्स मीटिंग्स तो सेम होती हैं, जैसे पहले 2000 लोगों के ऑडिटोरियम्स में हो रही थी वैसी जूम पे होगी, बस आपकी एनर्जी का फ्लो बरकरार रखिएगा। आप भूल जाइए कि आप घर में हैं, आप वैसे ही अपना यूनिफॉर्म या अपना सूट पहनिए और पूरी एनर्जी अपने ऑडियंस को देते रहिए। ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, वर्चुअली भी एनर्जी बहुत अच्छे से फ्लो होती है, क्योंकि एनर्जी मैं क्या बताऊं, इट कैन फ्लो फ्रॉम एनीवेयर टू एनीवेयर, तो उसके लिए आपकी फिजिकल प्रेजेंस जरूरत नहीं है। यू कैन वर्चुअली ऑल्सो गिव योर एनर्जीज टू योर प्रोस्पेक्ट एंड टू योर टीम्स, जूम पे या कोई भी ऐप पे करिए। जूम ऐप पे करने में भी कोई दिक्कत नहीं है, जूम ऐप बहुत परफेक्ट है, सिक्योर भी है, यूएसए बेस्ड ऐप है और इन्होंने अपने सिक्योरिटी ऑप्शंस में सारे ऑप्शंस रखे हुए हैं डेटा शेयरिंग के। आप वो ऑप्शंस को सारे चेक करिए और एक्टिवेट करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम सारी टॉप लीडरशिप्स भी जूम ऐप ही यूज कर रहे हैं, तो जूम पे या आप जो भी ऐप से कंफर्टेबल है उस पे आप करिए काम। फ्रेंड्स लॉकडाउन में एक चीज ध्यान रखिए, यू कैन यूज योर गैजेट और योर गैजेट कैन यूज यू। आप फोन पे और लैपटॉप पे नेटफ्लिक्स या बोलते ना अमेजोन प्राइम, हॉटस्टार, सब देखिए, बट उसका भी टाइम डिजाइन करिए। आप यूट्यूब पे वीडियोस भी देखिए, जूम पे मीटिंग्स भी देखिए, बट उतनी देखिए जो आप एक दिन में एब्जॉर्ब कर सके और बाकी आप एक्टिविटी पे आ जाइए। गैजेट्स दुनिया में इंसान ने बनाए हैं ताकि इंसान गैजेट को यूज करे, बट कई बार ऐसा हो जाता है कि गैजेट इंसान को यूज कर जाता है। सुबह उठते ही इंसान व्हाट्सएप खोलता है कुछ काम के लिए, बट वो व्हाट्सएप पे आई हुई एक लिंक में घुस जाता है, वो लिंक से वो यूट्यूब में चला जाता है, फिर वो फेसबुक पे चला जाता है, इंस्टाग्राम पे चला जाता है, और कब डेढ़ दो घंटा बीत जाता है बिस्तर में ही, वो उसे पता नहीं चलता। तो डोंट लेट दैट हैपन विथ यू। आपका गैजेट आपके इस्तेमाल के लिए है, गैजेट आपको कंज्यूम ना कर जाए, वो आप ध्यान रखिएगा। यही डेढ़ दो घंटा जो आप बोलते ना एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे में घुस रहे हैं, उसमें ना घुसते हुए अपनी सेल्फ डेवलपमेंट में घुसिए। फ्रेंड्स लॉकडाउन मेंटली एक थोड़ा सा चैलेंजिंग और स्ट्रेसफुल चीज है आपके लिए और परिवार और टीम्स के लिए, तो अगर आप ग्रो करेंगे तो ही आप उन्हें सपोर्ट कर पाएंगे और आप उसमें से अपनी टीम्स को बाहर ले आ पाएंगे। जैसे मुझे याद है पहली मीटिंग जो जूम पे दीपल मैम ने और नीलेश सर ने हमारे साथ ली थी, तब हम सब परेशान हुए थे, हम न्यूज देखते बैठे थे, कितने केसेस बढ़ रहे, पूरा दिन हम न्यूज देखते पड़े थे, और दीपल मैम ने हमें एक चीज बहुत सिंपल समझाई थी कि आप आधा घंटा ही न्यूज देखें और वही पर्टिकुलर टाइम पे देखें और बाकी दिन आप उसको बंद कर दें, और लोग फ्रेश फील करने लग गए एक छोटी सी चीज से। बट फ्रेंड्स ये तब हो पाया जब उन्होंने खुद को उस चीज में लाया और हमें गाइड किया और हमने अपनी टीम्स को गाइड किया। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, अब करने का समय आ गया है। जैसे आप पहले फिजिकल करते थे, अब वर्चुअल करनी है, और जितना अब अपना प्लानर भरोगे उतनी आपकी चेंज आनी शुरू हो जाएगी। फ्रेंड्स अब जब आप एक्टिविटी करेंगे टीम्स के साथ, कुछ उन्हें सिखाएंगे, तो रिव्यू करना है, फॉलो अप करना है एक एक हफ्ते में। नई चीज है ना, कुछ नया लोग कर रहे हैं, अब थोड़ा अलग कर रहे हैं, तो रिव्यू जब आप करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि मुसीबत कहाँ आ रही है, दिक्कत कहाँ आ रही है, तो आप उन्हें हेल्प कर पाएंगे। अगर आपके पास जवाब नहीं है तो आप अपने एक्टिव अपलाइन, अपने एक्टिव डायमंड या अपने अपने एक्टिव यूसीडी क्राउन को पूछ पाएंगे कि कैसे मैं तरक्की ला सकता हूँ, कैसे मैं ये प्रॉब्लम ओवरकम कर सकता हूँ। नीचे नीचे आप टीम में जब घुसते जाएंगे,
तो आपको पता चलेगा कि नीचे ऑर्डर नहीं मिल रहा है, तो कैसे आप वो हेल्प कर सकते हैं। रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि अब खाली बोल के ये नहीं होना है। दो टाइप की मीटिंग्स करिए फ्रेंड्स, एक आप 500,000 लोगों की, 100 लोगों की करिए, जिसमें आप बहुत सारा इंफॉर्मेशन और ज्ञान दीजिए। बट फ्रेंड्स छोटी छोटी मीटिंग भी करिए, जिसमें क्या करें कि रिव्यू लें, लोगों को बात करने का मौका दें, उन्हें क्या दिक्कत आ रही है वो उनसे समझें और उन्हें सॉल्यूशंस ऑफर करें। दोनों टाइप्स की मीटिंग्स बहुत जरूरी है इस पीरियड में, जहां बड़ी मीटिंग करके अपनी स्ट्रेंथ, अपना विजन लोगों को दिखा रहे हैं और इंस्पायर कर रहे हैं। बट छोटी छोटी मीटिंग जिसमें आप इंटरेक्शन कर रहे हैं, CNTs या प्रीव्यूज भी जो आप जूम पे करें, वो दो टाइप के करें। एक है 1-to-1, 2-on-1, जिसमें दो या तीन ही हो और आप प्रोस्पेक्ट के साथ क्लोजिंग कर रहे हैं, राइट, प्लान दिखा रहे हैं, क्लोजिंग कर रहे हैं। और एक ऐसी हो जिसमें आप 100 लोगों की करें, जूम पे आपका 100 लोगों का अकाउंट है, आपने उसको बोलते ना एक्टिवेट कर दिया है, ताकि आप उसको अनलिमिटेड टाइम के लिए यूज कर सके। हार्डली $12-14 में वो प्लान एक्टिवेट होता है। तो फ्रेंड्स आप वो 100 लोगों की मीटिंग करें और उसमें उन लोग इनवाइट करें जो अभी अभी ज्वाइन हुए हैं और जो आईडी जस्ट की है और वो प्रीव्यू में आ रहे हैं, तो उनको वो बोलते ना टुगेदरनेस की फीलिंग मिलेगी। मेरा एक अनुभव है कि छोटी छोटी जूम मीटिंग्स में, 2-4-5-10 लोगों की जूम मीटिंग में क्लोजिंग बहुत बढ़िया रही है, और फिर वो क्लोज करने के बाद जब उनको 100 या 500 की मीटिंग में बुला रहे हैं, तो वो बहुत इंस्पायर हो रहे हैं। तो पर्सनल टच देना थोड़ा जरूरी है जूम पे भी, तो वो आप अटेम्प्ट करिए और रिव्यू करिएगा टीम्स के साथ, ताकि वो आपको अनुभव शेयर करें, पॉजिटिव अनुभव, और अगर उन्हें कोई दिक्कत हुई है तो वो भी अनुभव उनका सुनिए और प्लीज उन्हें हेल्प करिए। और आपके पास सॉल्यूशंस ना हो तो अपने अप्लायंस से जरूर मांगिए, वो आपको गाइड करेंगे। और फ्रेंड्स आने वाले 90 दिन में हम क्रिएट करेंगे माय लॉकडाउन स्टोरी। आप एक स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं कि जब लॉकडाउन शुरू हुआ मेरा चेक 5,000 का था, मेरा चेक 10,000 का था, मेरा चेक 1,00,000 का था, अब 90 दिन हो गए, मैंने अपने आप को चेंज किया, मैंने अपनी नॉलेज को बढ़ाया, मैंने जो पहले मैं पढ़ाई नहीं कर पाता था, जो समय की पाबंदी थी मेरे पास, उन सारी पाबंदियों को लॉकडाउन में खत्म किया और मैंने पढ़ाई करी। अपनी स्टोरी क्रिएट करोगे आप, और कहते हैं बहुत सारा एक्शन लोगे, बहुत सारा आपको रिजल्ट मिलेगा, बहुत सारा रिजेक्शन भी मिलेगा। रिजेक्शन इज पार्ट ऑफ आवर लाइफ, वेदर दैट बी फिजिकल और वर्चुअल, लेट्स बी ओके विथ इट। लॉ ऑफ एवरेजेस वहां पे भी काम करता रहेगा। आप अपनी स्टोरी क्रिएट करेंगे और ये होगी आपकी एक अनोखी स्टोरी, कि इस लॉकडाउन में मैंने हार नहीं मानी, मैंने कोरोना को हराया, मैंने कोरोना के डर को हराया, मैंने लॉकडाउन की प्रॉब्लम्स को हराया और मैंने अपनी कहानी लिखी। और आपकी कहानी आज नहीं फ्रेंड, आगे हजारों लाख इंस्पायर करेगी। इवन व्हेन द फिजिकल वर्ल्ड्स ओपन, तब भी वो इंस्पायर करेगी कि ये व्यक्ति लॉकडाउन में अगर कर गया तो आप नॉर्मल माहौल में तो इससे भी तेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स गेट रेडी टू क्रिएट योर ओन लॉकडाउन स्टोरी इन द कमिंग नेक्स्ट 90 डेज। आज से आपका 90 डेज गेम प्लान शुरू करिए और अपनी अपलाइन, अपनी एक्टिव अपलाइन के साथ काउंसलिंग करिए। और फ्रेंड्स आई एम श्योर बोलते ना इसमें से कुछ आइडियाज आपको मिली होंगी। ये ट्रेनिंग दीपल मैम और नीलेश सर के साथ डिस्कशन करके क्रिएट किए हुई थी, अपनी पूरी टीम के लिए, पूरे परिवार के लिए। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग विथ मी। हियर आई एंड माय स्लाइड शो। एंड फ्रेंड्स आपको अगर कोई भी सवाल हो तो डेफिनेटली आप अपने लीडर से कंसल्ट करिए, और कमेंट सेक्शन में भी आप लिख सकते हैं अपने डायमंड के माध्यम से। MWW परिवार के कनेक्ट में रह सकते हैं, और इस ट्रेनिंग को जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे
तो आई एम श्योर एक हफ्ते बाद आपके पास बहुत सारी स्टोरीज होंगी शेयर करने के लिए, और आप एक रोल मॉडल बने होंगे अपनी टीम के लिए एंड आपकी लॉकडाउन स्टोरी के लिए. ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच फ्रेंड्स एंड थैंक यू MWW फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी टू मी. थैंक यू सो मच फ्रेंड्स. ऑल द बेस्ट. विश यू वेल्थ.